तो अभी कहीं आज मुझे मंदिर की पूरी क्लीनिंग करनी है। अभी तो मैं क्लीनिंग स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अभी कर ली है। अभी मैंने तो मंदिर ये सारा सामान अलग रख दिया, अभी पूरी क्लीनिंग करनी है इसकी, उसके बाद फिर फिलहाल तो क्लीनिंग ही करनी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है संडे और आज देखो मैंने एक अलग ही न्यू ड्रेस पहनी हुई है अपनी, क्योंकि ये बहुत आई थिंक 3-4 साल से मैंने ये खरीद के रखी हुई है पर कभी पहनी नहीं है। इसकी जो वाइट कलर की है वो तो मैं पहनता रहता हूँ खैर, बट ये नहीं पहनी, ये आज फर्स्ट टाइम ही पहन रहा हूँ मैं इसको। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मंदिर की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद फिर बहुत दिन से सफाई वगैरह भी नहीं करी है, वो भी करनी है आज। आज मतलब आधी तो कर दी है, ये जो ऊपर जो हमारे पहले लगे हुए नहीं थे फूल, वो निकाल दिए सारे। अभी देखो खाली दिख रहा है ना, पूरा पूरा का पूरा खाली है, अभी सब निकाल दिए वो। अभी भाभी ने वो धोने के लिए रखे हुए, जैसे वो धुल के आएंगे फिर उनकी भी सेटलमेंट करेंगे, उनका भी कैसे लगाने क्या लगाने, हालांकि वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगे थे ना, ऐसे नीचे को वैसे ही लगाएंगे। नीचे की साइड से दिखते हैं ऐसे लटकाए हुए ना फूल जैसे, बहुत अच्छे दिखते हैं वो। तो पहले क्लीनिंग करते हैं मंदिर की, उसके बाद फिर करेंगे वो, तब तक वो भी सूख जाएंगे। तो गाइस, मंदिर क्लीन कर दिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, और पूजा भी कर ली मैंने इतने दिनों के बाद, फाइनली आज पूजा की है मैंने। तो अभी गाइस, इतने दिनों के बाद पूजा इसलिए की है क्योंकि फिर बीच में भैया की देर भी थी, तो बोलते कि 15 दिन के बाद भी 15 दिन के बाद ही पूजा पाठ कर सकते हो, और फिर बीच में ताई जी का श्राद्ध भी था, तो आज ताई जी का श्राद्ध भी हो गया आज 16 तारीख को। और फिर आज जो कि ये मंदिर था जो मैंने माता की चौकी बनाई हुई थी, उसी बीच में भैया का एक्सपायर हो गए थे भैया, तो फिर वो मंदिर नीचे ही था, तो मैंने हरीश भाई से फ़ोन करके पूछा था कि भैया ये कैसे करते क्या करते, क्योंकि वो पंडित है ना भैया हमारे, तो उन्होंने बोला था कि अभी तुम कुछ नहीं करना, उस पर हाथ वाथ भी मत लगाना, अभी रहने दो, पूजा वूजा सब ऐसे रहने दो, भी जैसे ही भैया की तेरहवीं होगी और 15 दिन के पाठ के बाद फिर आप मंदिर को ऊपर जैसे एजिटेड पहले रखा रहता है वैसे रख देना। तो इस वजह से मैंने इतने दिन से ना कोई पूजा करी ना कुछ करी, क्योंकि वो नीचे ही था, माता की चौकी मैंने नीचे ही बनाई हुई थी। आज मैंने फाइनली अभी पूरा सेटअप अपना ऊपर करते जैसे मेरा पहले का था, तो अभी फिर से कंटिन्यू रोज़ का रूटीन अभी बन गया, पूजा पाठ करना वगैरह। तो आज संडे था, मैंने कहा संडे के दिन जब मैं घूमूंगा फ्री, और आज ताई जी का श्राद्ध भी था वहाँ, तो मैंने कहा वहाँ जब पूजा पाठ खत्म होगी तो उसके बाद अपना सेटअप भी कर लूँगा मैं, तो वहाँ भी पूजा हो गई है, और यहाँ मैंने अपना सेटअप भी कर लिया, देन पूजा वगैरह भी कर ली है। तो अभी गाइस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। खाना खा लिया पापा? खा लिया, कल ही खाया। चलो ठीक है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, देखता हूँ आज क्या बनाया भाभी ने ब्रेकफास्ट में। आज तो आलू के परौठे हैं ब्रेकफास्ट में, ये है टमाटो केचप। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। तब से क्या है कि रील बना रहा था, और 2-3 रील मैंने बना चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, पापा जी के साथ ही बनाई आज तक। तो अभी पापा जी लंच करके सो गए, अभी मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊँगा लंच करके, उसके बाद फिर शाम को जगूँगा, तो थोड़ी देर रेस्ट भी करना ज़रूरी है, आज छुट्टी है। तो रील्स बनाई है मेरी प्रकाश चंद्रा 2 पे जाके आपको देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, और सब्सक्राइब भी करनी है। सब्सक्राइब कह रहा हूँ, उस पर तो फॉलो का होता है ना, मेरे को हर चीज़ सब्सक्राइब ही दिखती है, तो सब्सक्राइब नहीं फॉलो करना है आपको, और कमेंट्स करने हैं, शेयर करनी है, ठीक है, और लाइक्स तो जरूर करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ही करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब आपको अच्छी लगे तभी करनी है आपने लाइक शेयर और फॉलो। ओके गाइस, तो अभी मैं करता हूँ लंच, देखता हूँ लंच में क्या बनाया आज भाभी ने। तो अभी गाइस लंच में है आलू की सब्जी और राइस, आलू का झोल बनाने के लिए बोला था आज मैंने भाभी को, तो आलू का झोल बनाया है, और ये है राइस भी, उसके अंदर मैंने थोड़े 2 दाने छोटे छोटे प्याज के काटे हुए। तो अभी गाइस लंच करते हैं अभी। तो अभी गाइस उठ गया हूँ सोने से, और अभी बैठ के चाय पी रहा हूँ, पापा जी भी पी रहे चाय, मैं भी चाय पी रहा हूँ अभी, पापा जी ने पी लिया चाय, वो अभी पहाड़ी गाने सुन रहे हैं, ये चल रहे हैं चाय इंजॉय करते हैं अभी गाने सुनते सुनते। तो अभी गाइस डिनर कर रहा हूँ, डिनर में है दाल, आलू की सब्जी और रोटी। तो अभी गाइस कपड़ों पर प्रेस वगैरह भी कर लिए और डिनर भी कर लिए, अभी है सोने की तैयारी, क्योंकि फिर कल सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, कल है मंडे। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।